प्यारे दोस्तों, ये फकीर वीरेंद्र योगी आपका अभिनंदन करता है और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज जो थे कबीरदास के वंशज थे। कबीरदास हमारे जो परदादा दादा जितने लोग थे, हनुमान दास, गरीब दास, नारायण दास, ये सारे कबीर के वंशज थे। और इसका मतलब था कि वो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान थे और इसीलिए उनके कुछ DNA और कुछ अंश मुझ में आया है और उसके पीछे मैं ऐसे चिपके रहता हूँ जैसे कि उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आवश्यक है कि आप सुविचारों से जुड़ें, अच्छे लोगों की संगति करिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधो संत में हो बैकुंठ में होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी की यात्रा पूरी होगी तो मृत्यु तो आएगा, लेकिन अगर सचमुच आप ऐसे महापुरुषों के बीच में हों जैसे मैं परम माननीय आदरणीय मानवरत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी के साथ, परम आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जी के साथ, मेरे प्रिय दोस्त पिंगल रेड्डी जी के साथ, डॉक्टर रमन राव जी के साथ, डॉक्टर कृष्ण राजू के साथ, ऐसे अनेक महान हमारे दोस्त हैं जिनकी संगति में मुझे प्रेरणा मिलती है, जोश आता है, उत्साह आता है और मैं मरना भी नहीं चाहता क्योंकि उनसे मैं सीखता हूँ, उनसे मुझे शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, निष्ठा मिलती है और मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। ये तो कुछ लोग हैं जो जीवित हैं, लेकिन जो लोग सुधार गए स्वर को, जिनका अभी केवल नाम रह गया है, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हो, कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो और सूरदास जी हों, मीराबाई जी हों, जितने भी महान विभूति इस पृथ्वी पर आए, सबों से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं पृथ्वी पर शांति की स्थापना के लिए दिन रात प्रयत्न रहता हूँ। इसीलिए मैंने शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन को अपना जीवन का उद्देश्य बनाया है और इसीलिए लोगों में सबसे पहले एक महान व्यक्ति बनने की प्रेरणा पैदा करता हूँ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह के रास्ते पर चलते हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वासना को त्याग कर एक मनुष्य के कोख में एक महापुरुष बनने की प्रेरणा देता हूँ। और मेरे दोस्त कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु जी, कबीरा जब हम पैदा हुए जगत से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। प्यारे दोस्तों, इसलिए जीवन का उद्देश्य है कुछ ऐसा करामात करो, अद्भुत दुनिया में शांति फैला दो, आविष्कार करो, ज्ञान की बातें करो, नए नए विचारों से लोगों के जीवन में सुख शांति लाओ और जो हत्याएं हो रही है, जो विनाशकारी शक्तियां हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो पद के लिए, पावर में आने के लिए, लोगों को खून चूसने के लिए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम को देश के बांटता है, टूटता है और कहता है कि इसका सेंसस होना चाहिए, इन बेशर्मियों से बचाने के लिए कौन आएगा? ये भी शक्ति हमें गुरुओं से मिलती है। यदा यदा ही, कहने का मतलब है, संस्कृत है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, बुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजनम्, पृत्राणा च साधुना विनः सा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय हम भवामी युगे युगे सम भवामी युगे युगे। मीन्स ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है जो अपने जीवन की अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, देश की आज़ादी के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए प्रयत्न करेंगे और उसको अपने जीवन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो जीता है तो दूसरों के लिए सरिता की तरह, वो एक वृक्ष की तरह फल देता है तो दूसरों के कल्याण के लिए, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरे भाई, यही जीवन का उद्देश्य है। इस फकीर योगी वीरेंद्र योगी वीरेंद्र दास का यही अंतिम ज्ञान है जिसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका जय हो, कल्याण हो, धन्यवाद।